एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों गियर क्या होता है क्या आपको पता है? दोस्तों अगर नहीं पता है दोस्तों सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आज कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं समझाने वाली हूँ दोस्तों, कोई हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। बस मैं आपको दोस्तों एक सिंपल सा वे में समझाने की कोशिश करूंगी कि ये गियर दोस्तों होता क्या है। देखिए दोस्तों गियर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि पूरा कॉम्प्लिकेटेड, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ना उसको बहुत आसान कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके व्हीकल्स में दोस्तों। दोस्तों जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो फिर आप गियर्स को यूज करते हो, लेकिन स्कूटी में आप गियर्स नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि वहां पर दोस्तों सीवीटी ट्रांसमिशन सिस्टम यूज किया जाता है, सीवीटी यूज किया जाता है। ये क्या है सीवीटी, कैसे यूज किया जाता है, वो सब दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो में उसको डिस्क्राइब किया है। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मोटरसाइकिल में भी आप दोस्तों गियर्स यूज करते हो, ट्रक हो, बस हो, कार हो, वहां पर भी दोस्तों आप गियर यूज करते हो। अरे भाई गियर्स होता क्या है? देखिए दोस्तों गियर जो होता है एक टूथ व्हील होता है, एक व्हील टाइप होता है, और जिसके सर्कमफेरेंस में बहुत सारे टीथ कटे होते हैं, बहुत सारे टीथ कटे होते हैं। तो ये दोस्तों एक सर्कुलर व्हील जिसके टीथ कटे होते हैं, ये क्या, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है ऐसे दिखने वाला ऑब्जेक्ट, ये क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों प्ले करता है? जी हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके गाड़ी में आप स्पीड की वेरिएशन कर पा रहे हो, कम ज्यादा वैसा कर पा रहे हो कंफर्टेबली, तो वो दोस्तों सिर्फ ये दोस्तों गियर्स के वजह से ही आप कर पा रहे हो। ये गियर दोस्तों क्या करता है, पावर को इजीली ट्रांसमिट कर लेता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। जब भी दोस्तों क्या होता है, एक गियर दूसरा गियर के साथ मैशअप होता है तो क्या होता है कि स्पीड और टॉर्क की चेंजेस होती है आपकी गाड़ी में, राइट। और दोस्तों एक चीज आप याद रखिए कि स्पीड और टॉर्क दोस्तों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भी आपके गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड मतलब आरपीएम, ओके, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो जब भी दोस्तों स्पीड आपकी गाड़ी का बढ़ेगा तो याद रखिए कि टॉर्क हमेशा कम हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये दोनों स्पीड और टॉर्क दोस्तों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। चलिए थोड़ा अब उसको बारीकी में समझते हैं। मान के चलिए कि एक ड्राइवर गियर है। ड्राइवर गियर मतलब जो पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम लोग यूजुअली ड्राइवर गियर बोलते हैं दोस्तों, और ये जो जिसके साथ मिशअप हुआ है उसको बोला जाता है ड्रिवन गियर। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ड्रिवन गियर। जो पावर सोर्स के साथ दोस्तों कनेक्टेड है उसको बोला जाता है ड्राइवर गियर, ड्राइवर गियर। और जो उसके साथ मैशअप होता है ना दोस्तों उसको बोला जाता है ड्रिवन गियर। तो अभी आप क्या देख रहे हो, ड्राइवर गियर जो है वो हमारा बड़ा साइज का है, बड़ा साइज का है, राइट। ड्रिवन गियर जो है वो छोटा सा है। और जब भी दोस्तों जब ये बड़ा वाला साइज का गियर, ड्राइवर गियर जब बड़ा हो और ड्रिवन गियर जब छोटा हो, तो उससे क्या होता है कि स्पीड हमारा बढ़ जाता है गाड़ी का। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका ड्राइवर गियर बड़ा हो जाए और ड्रिवन गियर छोटा हो तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए स्पीड और टॉर्क तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी स्पीड बढ़ जाएगा जब भी ड्राइवर गियर बड़ा और ड्रिवन गियर एकदम सा छोटा हो, स्पीड बढ़ेगा और टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली जब ड्राइवर गियर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये ड्राइवर गियर है, ये छोटू सा है, लेकिन ड्रिवन गियर आप देख रहे हो कितना बड़ा है, ओके, तो उस टाइम दोस्तों क्या होगा कि स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन टॉर्क आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ज्यादा टॉर्क मिलेगा, ओके। तो ये चीजें, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। तो अभी देखिए जब आप किक स्टार्ट करके जब गाड़ी को, गाड़ी आपका इनिशियल स्टेज में जाता है तो उस टाइम क्या होता है, आपको टॉर्क ज्यादा की जरूरत पड़ती है, आपको टॉर्क उस टाइम ज्यादा पड़ता है। स्पीड कम है, जीरो है, लेकिन आपको टॉर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों जब आप हाईवे में जाते हो तो उस टाइम क्या होता है, आपको स्पीड ज्यादा जरूरत होती है, आपकी गाड़ी को स्पीड बढ़ानी है, लेकिन टॉर्क उस टाइम आपको ज्यादा
ज्यादा जरूरत नहीं होती, टॉर्क बढ़ाने की जरूरत उस टाइम नहीं होती है, आपको उस टाइम दोस्तों क्या होती है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत होती है। तो ये दोस्तों कैसे मुमकिन होता है, कैसे मुमकिन होता है कि स्पीड बढ़ जाता है, इनिशियल स्टेज में आपको टॉर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन अब जब आप हाईवे वगैरह में जाते हो एक स्पीड तो उस टाइम आपको टॉर्क की नहीं स्पीड की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कैसे मुमकिन हो पा रहा है दोस्तों, ये सिर्फ मुमकिन हो पा रहा है आपके गाड़ी में गियर्स के वजह से। ओके, तो कैसे गियर काम करते हैं अभी हम लोग दोस्तों इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जब आप क्या करते हो कि फास्ट गियर को आप लगाते हो, मान के चलिए कि आपने क्या किया, फास्ट गियर को लगाया, राइट। फास्ट गियर जब आप लगाते हो तो क्या होता है कि ये आप देखिए ड्राइवर गियर जो है वो छोटू सा है, लेकिन ड्रिवन गियर जो है वो बड़ा सा है। तो उस टाइम क्या होगा कि आपको दोस्तों जो है आपको स्पीड जो है वो कम मिलेगी, लेकिन टॉर्क आपको ज्यादा मिलेगी, राइट। आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगी, स्पीड आपको कम मिलेगी। ओके, कुछ इस तरह से सिचुएशन हो रहा है ना। आप देखिए ये वाला गियर और ये वाला गियर, देखिए मैंने आपको डायग्राम ऐसे फिगर में भी दिखाया है, ड्राइवर गियर छोटा है, ड्रिवन गियर बड़ा है। तो उस टाइम क्या होगा कि आपको दोस्तों क्या होगा, टॉर्क यहां पर ज्यादा मिलेगा लेकिन स्पीड आपको कम मिलेगा। लेकिन जब आपने सेकंड गियर दबाया, ओके सेकंड गियर लिया, तो क्या होगा दोस्तों, सेकंड गियर में क्या होता है, आप देखिए कि ये ड्राइवर गियर है, ड्राइवर गियर बड़ा है, लेकिन ड्रिवन गियर जो है ये देखिए, ये ड्रिवन गियर है, ड्रिवन गियर क्या होगा छोटा है। ओके, तो उस टाइम क्या होगा दोस्तों, आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी, स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन दोस्तों टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा। कुछ इस तरह से होगा, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, इस तरह से आप स्पीड को बढ़ाते जाओगे लेकिन टॉर्क जो है वो कम होते होते जाएगा, राइट दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आप जान गए होंगे कि ड्राइवर गियर क्या है, ड्रिवन गियर क्या है, और फिर उनका स्पीड कैसे वेरिएशन होता है, उनका टॉर्क कैसे वेरिएशन होता है, ये सब दोस्तों आप शायद क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स रह गया हो मन में तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर पूछ लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो पक्का बनता है, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए भी अपने दोस्तों को। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।